नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। न्यूज नाइन के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की तमाम खबरें। साहिबगंज में शुक्रवार की सुबह लगभग 7 बजे साहिबगंज मनिहारी निर्माणाधीन गंगा पुल के गंगा घाट पर जहाज अनियंत्रित होने से जहाज पर सवार 7 हाइवा गंगा में समाया। एक हाइवा चालक लापता है। गंगा में समाये सभी हाइवा गंगा पुल किनारे पुल निर्माण कर रही डीबीएल कंपनी की है। सुबह लगभग 7 बजे डीबीएल कंपनी के जहाज पर ट्रक लोडिंग के दौरान जहाज का संतुलन बिगड़ जाने से 7 हाइवा एवं 1 हाइवा चालक गंगा में समा गई एवं 3 ट्रक LCT जहाज में ही पलट गई। बताया जा रहा है कि LCT दुर्घटना के दौरान एक ट्रक ड्राइवर लापता है। इधर घटना की सूचना मिलते ही सदर SDO राहुल आनंद, STPO राजेंद्र कुमार दुबे, मुफस्सिल एवं मनिहारी थाना की पुलिस घटनास्थल पहुंचकर जांच में जुट गई। घटना को लेकर जानकारी देते हुए लापता हाइवा चालक का भांजा धनबाद पलासी का रहने वाला मोहम्मद रियाज ने बताया कि रोजाना की तरह शुक्रवार की सुबह मेरा मामा DBL कंपनी का हलवा लेकर गंगा नदी पार करने हेतु DBL कंपनी के LCT जहाज पर हाइवा लोड करने के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया। दुर्घटना घटने के बाद से धनबाद का रहने वाला मेरा मामा मोहम्मद सरफुद्दीन अंसारी लापता हो गया है। घटना को लेकर गंगा पुल निर्माण कर रहे DBL कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर भानु प्रताप ने बताया कि LCT जहाज पर हाइवा लोड होने के दौरान अचानक टायर फटने की तेज आवाज आई और संतुलन बिगड़ने से ऐसी दुर्घटना हुई है जिसमें मेरा एक हाइवा चालक भी लापता है। वही एक हाइवा गंगा नदी में समा गया। घटना के बाद से ही अपनी कंपनी के कर्मचारियों की खोजबीन एवं नदी में समाये हाइवा को खोजने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही हाइवा चालक सहित नदी में समाये हाइवा को निकाल लिया जाएगा। घटना उपरांत स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर एकत्रित हो गई। भीड़ को देखते हुए मुफस्सिल थाना की पुलिस एवं मनिहारी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने में जुट गई। घटना उपरांत स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का माहौल गर्म। प्रत्यक्षदर्शियों एवं स्थानीय लोगों के बीच 7 हाइवा सहित 4 चालक लापता होने की बातें कही जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। 8 बजे अपने लोडिंग के लिए जब जहाज खड़ा हुआ, लोडिंग करने के लिए ड्राइवर बढ़ा, उस दौरान कोई टायर फटने की सूचना मिली और 3 गाड़ी तो जहाज पे ही पलटी मार दिया। एक जहाज नीचे गया है जिसका ड्राइवर सफरुद्दीन अंसारी अभी तक लापता है। ड्राइवरों का कहना है कि 7 गाड़ियां गई है, इसमें कितनी सत्यता है? कोई सत्यता नहीं है। एक गाड़ी नीचे गई है, 3 गाड़ी जहाज पे और 4 लोगों के गायब होने की बात सामने आ रही है। एक की वो जो भी है मेरा इम्प्लॉई है, ऑन रिकॉर्डेड इम्प्लॉई है और ऑन रिकॉर्डेड मैं बयान दे रहा हूँ। एक व्यक्ति है सफरुद्दीन अंसारी ड्राइवर जो लापता है। तो क्या कुछ किया जा रहा है सर कि वो उसको निकालने के लिए? अभी मैं रेस्क्यू करके सबको निकाल लूंगा। सर सुनने में थोड़ी सी लापरवाही आपकी लापरवाही सामने आ रही है। 8 बजे से पहले विजिबिलिटी कम थी। 8 बजे जिस समय घटना है उस समय विजिबिलिटी थी, उस दौरान हम यहाँ पे काम शुरू किए। नहीं सर, ये सुनने का सब र्यूमर है। कुछ लोग तो ऐसा भी बोल दिए कि जहाज डूब गया, ये र्यूमर है। यहीं पे जहाज लोडिंग के दौरान ही हादसा हुआ। लेकिन कुछ ग्रामीणों सुबह 7 बजे की नहीं 8 बजे की। अच्छा, एक चीज बता रहे सर, जिला ड्राइवर को उतर के जाने का है। सर्दी का मौसम होने की वजह से वो मफलर या सॉल वगैरह लपेटा हो, कहीं फंस गया हो, बाकी सब ड्राइवर उतर जाते हैं। दिशा निर्देश ऐसा ही है। रैंप की स्थिति आज सुबह जो घटना घटी कैसे घटी? 8 बजे हम लोग लोडिंग चालू किया था जी। तो हम लोग जहाज में 4 गाड़ी चढ़ा था जी, 4 गाड़ी बराबर लोड था जी। तो एक साइड गाड़ी का कुछ टायर पंचर हो गया, होने के बाद जहाज डिसबैलेंस हुआ। अच्छा। तो एक गाड़ी पानी में गया, 3 गाड़ी जहाज को है। अच्छा, ये सुबह कितने बजे घटना? 8 बजे हुआ। कितना गाड़ी एक जहाज में कितना गाड़ी लोड लेके जाते? 8 कहाँ लेके जाते हैं हम लोग? इस साइड से वो साइड। क्या चीज लेके जाते हैं? कोई स्टोन चिप लेके जाता है, कभी ये लोग का प्लेट लेके जाता है, कभी सीमेंट लेके जाता है। किस कंपनी के? DPL का, DBL। क्या नाम? क्या हुआ? अमन शेख बबलू। ठीक। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।